Assalamualaikum everyone, this is Ikra here and welcome to the Javed Publishers. और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 plus English book. So let's get started. आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे possessive adjective की, जो कि आपके पेज नंबर 31 पे. Tick the correct ones. अब आपने ये पिक्चर देखी है, इसमें लिखा हुआ है कि this is Ahmed और नीचे तीन ऑप्शन दिए हैं, his, her, its. अब हमें फाइंड करना है राइट ऑप्शन. दिस इज अहमद डैश पेंटिंग इज नाइस. यहाँ पे क्या आएगा? हिज, क्योंकि मेल के लिए बॉयज के लिए हम यूज करते हैं हिज, उसकी पेंटिंग अच्छी है. तो हिज पेंटिंग इज नाइस, सो यू हैव टू कलर द हिज और यू कैन मार्क अ टिक एज वेल. द नेक्स्ट पिक्चर इज द चिल्ड्रन आर बिजी, दे आर डूइंग डैश होमवर्क. वो किसका होमवर्क कर रहे हैं? देयर और हिज. सो दे आर डूइंग देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रहे हैं. सो आपने देयर पे टिक लगा देना. दिस इज अली, ही हैज हर्ट डैश लेग. ये अली है और उसकी टांग दुख रही है, तो ही हैज हर्ट हिज लेग. यहाँ पे आएगा हिज, आपने हिज पे टिक लगा देना. द नेक्स्ट पिक्चर इज सना हैज अ ब्रदर, शी बाइज अ बॉल फॉर डैश ब्रदर. सना का एक भाई है और उसने भाई के लिए बॉल खरीदी, तो यहाँ पे क्या आएगा? आप तीन ऑप्शन देखिए, और हर हिज. तो पहले भी मैंने बताया था कि फीमेल के लिए, गर्ल के लिए हम यूज करते हैं हर, तो शी बाइज अ बॉल फॉर हर ब्रदर, सो यू हैव टू मार्क अ टिक ऑन हर. डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव लर्न अबाउट द एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और आपने इसकी एक्सरसाइज के थ्रू और बेहतर आपको चीज़ समझ आ चुकी होगी, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी. डियर टीचर्स, आपने बच्चों को इसी तरह की एक्सरसाइज क्लास में करवानी है, लेकिन आपने सेंटेंसेस को चेंज कर देना है. आप उनको डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स भी दिखा सकती हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख सकती हैं एंड गिव देम अ 3 ऑप्शन और उनको सोचने दें कि कौन सा राइट ऑप्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू हैव लर्न अबाउट द पॉजिटिव एडजेक्टिव. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा और जुड़े रहिए बोलते किताबों के साथ.